हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कामिनी सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो ये रात का टाइम है और यहाँ पे मशीन से कपड़े लाके मैं डाल रही हूँ। ऐसा कौन कौन करता है? जो स्टैंड है उसे रूम में डालना, ये तब होता है जब बारिश का टाइम होता है और आज बारिश हो रही है। मन थोड़ा छोटा हो गया है, उदास भी है किसी बात से। आज मैंने साड़ी पहनी थी तो वो साड़ी चेंज करके ना मैंने ये वाली ड्रेस पहन ली है और ये थोड़ा ना कंफर्टेबल है, इसमें बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होता और गर्मी तो बिल्कुल नहीं होती है। और आजकल तो ऐसा हो गया है कि मुझे बिल्कुल कंफर्टेबल कपड़ा चाहिए, तो वैसा ही मैं पहनती हूँ। कोशिश करती हूँ जब मुझे घूमने जाना होता है, वीडियोज़ बनाने होते हैं, कुछ होता है तो ही मैं ज़्यादा तामझाम वाले कपड़े पहनना पसंद करती हूँ, वरना ऐसे मुझे सिंपल सादे पसंद हैं और सिंपल सादा रहना भी पसंद है। आप लोगों ने देखा हुआ है मुझे, तो यहाँ पे यही कपड़े मैं डाल रही हूँ और कुछ बातें हैं जो मैं सोच रही हूँ, मेरे दिमाग में चल रहा है। और पतिदेव जी जो हैं वो ऑफिस से आ गए हैं और यहाँ पे माथा टेक रहे हैं, बिकॉज़ ये जो वीडियो है ये है सप्तमी पूजा वाले दिन की, सावन की सप्तमी पूजा। वो ब्लॉग मैं अभी तक नहीं डाल पाई हूँ, लेकिन बहुत जल्दी डालूँगी और किसी रीज़न से नहीं डाल पाई हूँ तो वो वीडियो भी डालूँगी। तो यहाँ पे शाम हो गया था, आपको पता है दोनों बच्चे नहीं थे, दोनों ये भाई दोनों तीनों नहीं थे, तो ये लोग आने के बाद अपना माथा टेक लिए, मंदिर में आशीर्वाद ले लिए, उसके बाद नीचे चले चाय पानी पीने। भैया से कर रहे हो, पैर नहीं जा रहा कर लिया धनी बड़ी हो गई है। रात का खाना बनने के बाद मैंने बर्तन धोए। बर्तन तो हमारे खैर क्या ही कहने, बहुत इकट्ठे होते हैं, लेकिन बस वही मेरी आदत है, दो दो चार चार में हमेशा धोती रहती हूँ, इकट्ठा कभी नहीं करती सिंक में, क्योंकि मुझे खुद वो पहाड़ सा लगने लगता है यार, जल्दी जल्दी धो, जल्दी जल्दी में बर्तन जूठे रह जाते हैं, तो बर्तन तो भाई मुझे बिल्कुल क्लीन चाहिए होता है। तो यहाँ पर मैं बर्तन धो रही थी, मेरे दिमाग में चल रहा था क्या कि मुझे पैकिंग करनी है। अब आप लोग सोच रहे हो पैकिंग किस बात की पैकिंग करनी है, तो मुझे जाना है मायके, इस मायके की पैकिंग करनी है। और मैं रक्षाबंधन के लिए नहीं जा रही हूँ, वहाँ कुछ स्पेशल है जिसके लिए मुझे जाना है। पापा का फ़ोन आया था कि आ जाओ, मेरी वजह से कुछ चीज़ें डिले की गई थी जब मैं बनारस गई थी, तो इस बार ये डेट रखा गया, ये डेट ये सोच के रखा गया कि रक्षाबंधन से पहले आएगी तो फंक्शन अटेंड कर लेगी और फिर जाना आना नहीं पड़ेगा और राखी अपना है बांध के तब चली जाएगी। मुझे राखी के टाइम पे ज़्यादा टाइम रहने का नहीं मिल पाता है, एक दो दिन ही पहले, शुरू से ही ऐसे मैं ऐसे ही जा पाती हूँ, एक दो दिन पहले शायद कभी गई होंगी, चार पांच दिन पहले तो गई होंगी, नहीं तो मुझे वो भी ध्यान नहीं है, दो चार दिन ऐसे पहले। तो इस बार मैंने सोचा हुआ था कि मैं थोड़े दिन पहले जाऊँगी, लेकिन मम्मी ने बोला हुआ था कि सैटरडे को चले जाना और फिर वेडनेसडे को रक्षाबंधन है तो उस दिन आ जाना, लेकिन ये बीच में जब कुछ है मेरे वहाँ पे मायके में आप लोगों को पता चलेगा, तो इस वजह से पापा ने बुला लिया तो मम्मी ने बोला ठीक है चले जाना। तो उसकी मुझे पैकिंग करनी है, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो तकलीफ़ देती है। ये देखो कौन-कौन कपड़े रखा आपको, धनु अपना कपड़ा बताओ, आपने रखा इसमें इतने सारे लाके किससे बंधवाओगे? अपनी बहन से। तो एक ही बंधवाओगे ना उससे, और धनवी से वो उससे अनुभव वाली बेबी से है। वाओ, धनु को तो 3-3 सिस्टर हो गए, अगर 3-3 राखी हो जाएगा और 3-3 राखी हो जाएगा, एक आपकी मौसी बांधेंगी 4 हो जाएगा है ना, और फिर उसके बाद एक अनु हुआ, एक पूजा हुआ, एक प्रीति हुआ। ओ एम जी, धनु के 7 राखी पूर्ण हाथी हो जाएगा। पूजा भी तो है। कौन सा पूजा? पूजा मम्मी। वो राखी धोनी ने बांधेंगी, वो तो मामी है, बुआ बांधती है। कौन सा वाला धनु? ये और ये मोटू पतलू छोटा भी वाला इधर में भी और लेके आते हैं, ठीक है? आज भी आपका कपड़ा इधर रख दो, तो अभी मैं काम इधर रख दूंगी। हटा लो। चलो यहां बैठ जाओ। ये अच्छा है, लड़की
राखी तो सच में बहुत सुंदर है, और उसके साथ साथ ये एक ये प्यारा सा नोट भेजा है। हेलो कामी दी, और ये वसुधा शुभम जी ने भेजा है। वी अप्रिशिएट योर इंटरेस्ट, थैंक यू वसुधा डियर सिस्टर, भगवान करे आपको आपके काम में बहुत तरक्की मिले। यहाँ आपने देखा मैं थोड़ी रोने लग गई थी, एक्चुअली कुछ बात हो रही थी, मम्मी थी और ये भी थे। तो जब भी मेरे वहाँ पे फंक्शन होता है तो मुझे ये तकलीफ़ तो होती है कि मेरे ससुराल से कोई नहीं जा पाता, ना वहाँ से यहाँ कोई आ पाता है, लेकिन उस तकलीफ़ को मैं हमेशा दबा के रखती हूँ कि कोई बात नहीं, कुछ चीज़ ऐसी होती है जो वक्त के साथ ठीक होती है। तो वहीं पर मैं मम्मी से कह रही थी, मम्मी जो मुझे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती। मम्मी ने कहा कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बस बातें बातें की हैं, उसके बाद मम्मी विकास ने हंसाया हंसी मजाक करके और पैकिंग हो गई। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काली सिंह, कैसे हैं आप लोग, आई होप बहुत अच्छे होंगे। सुनो सुनो सुनो, आज फिर से धनवी गई थी भैया को छोड़ने, है ना धनवी, ऐसे बाय किया दादी मम्मा और पापा, धनु भैया भी खुश हो गए, है ना। और टीचर कह रही है ओ धनु की छोटी टीचर आई है, ऐसे धनु सुनो नानी के घर जाओगे, हाँ नानी के घर जाओगे, आज तो भैया चला जाएगा नानी के घर, आज तो भैया चला जाएगा नानी के घर। आप चलोगी, आप भी चलोगी मम्मा सर पापा सर किसके साथ? आप मम्मा साथ जाओगी कि पापा सर, राखी भैया के साथ? सो गाइज मैं रेडी हो गई हूँ और जाना है मार्केट, हम तीनों ही मार्केट जा रहे हैं। और धनु को जो स्कूल छोड़ दिया है, स्कूल से आएंगे तब तक सोचेंगे कि हम आ जाए, इसलिए जल्दी निकल रहे हैं। बट देखते हैं वही पहले आ जाएंगे, क्योंकि मार्केट का आप लोगों को पता ही है टाइम कितना लग जाता है। साथ में स्पेशल शॉपिंग है वो करनी है, इस वजह से जा रही हूँ। और शाम को तो जाना है घर, तो पतिदेव जी कह रहे सुबह कल चलना, मैं कह रही नहीं आज ही शाम को ले चलो, अब देखते हैं क्या होता है मुझे। इसीलिए राखी का जो है, धनवी का, उसका जो मेरी भतीजी है, सबका मतलब मुझे कपड़े लेने हैं, जो भी स्पेशल जो भी उनके लिए लेने हैं वो सारे लेने हैं, और भी कुछ लेना है। और कल हमारे घर, मतलब मेरे घर मायके में स्पेशल है, इसके लिए मैं जा रही हूँ। सो ब्लॉग में बने रहिए और इन्जॉय कीजिए ब्लॉग को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूँ ना उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करके फॉलो भी कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में नाश्ता वगैरह करके। मम्मी गई हुई है किसी के यहाँ सावन में, उनके यहाँ सुहागन जो होती ना उनको खिलाते हैं, तो उनको बुलाया हुआ था, फिर उन्होंने फ़ोन किया मम्मी गई, अब वो वहाँ से आती फिर हम लोग निकलते हैं। आपको एक बात तो पता ही होगा कि पैकिंग तो हमें लगता है कि ना कहीं भी जाना, तो जाने जाने टाइम तक भी पैकिंग नहीं कंप्लीट हो पाती है, हम करते ही रहते हैं। तभी मैं मार्केट के लिए रेडी हुई थी, लेकिन मम्मी जो है वो कहीं गई हुई हैं, तो मैंने सोचा ठीक है ये मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पे ना मुझे एक सूट जो है फिटिंग के लिए दिया था, उन्होंने गड़बड़ कर दिया था, उसके लिए मैंने निकाला कि अभी मुझे वो भी देख के आना है, फिर मार्केट जाना है। मार्केट के लिए हमने सोचा हुआ था कि बाबू स्कूल है तब तक हम चलते हैं मार्केट, और मार्केट से आ जाऊँगी, क्योंकि आज ही शाम को सोचा है कि मैं मायके भी चली जाऊँगी। और उससे पहले मैं सोचा थोड़ा सा जो भी कपड़े इधर उधर पड़े हैं सबको अरेंज कर दूँ, उसके बाद निकलती हूँ। और दिमाग थोड़ा सा वो हो रहा था, मुझे ऐसा लगता मैं लो से फील कर रही हूँ, मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हो रही है, तो दिमाग भी इधर उधर घूम रहे थे। लेकिन मार्केट जाना ज़रूरी था, जाना अगर ज़रूरी नहीं होता ना तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाती, बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का, क्योंकि एक दिन में दो दो ट्रैवल नहीं हो पाता मार्केट जाने में। आपको पता ही है हम कितना थक जाते हैं शॉपिंग करने में, 4 से 5 घंटे लग ही जाते हैं किसी भी मार्केट में जाओ, कितना भी जल्दी करो। और आज तो बहुत सारी शॉपिंग करनी थी, वो शॉपिंग ब्लॉग देख के आपको मज़ा भी आएगा, हम सारे जाएँगे एक साथ।
हम तीनों मतलब सारे क्या धनवी को लेके जाएंगे। बाबू को स्कूल छोड़ दिया है क्योंकि धूप में फिर बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। धनवी इतनी छोटी है कि हम उसको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। बाबू तो रह भी जाएगा, तो बस वही अपनी पैकिंग में लगी हुई हूँ और सोच रही हूँ कि शाम को आज जाने को मिल जाएगा, शायद मैं चले जाऊँ। देखिए नेक्स्ट व्लॉग में क्या होता है। मार्केट जाने के लिए व्लॉग स्टार्ट किया था लेकिन मेरे पास इतने काम हैं कि मैं बस इसको यहीं पे एंड कर देती हूँ। दूसरा व्लॉग स्टार्ट करूँगी मार्केट जाने वाला। ये ब्लाउज और ये साड़ी जो है मैं पहन के जाने वाली, इसलिए मैं अरेंज करके रख रही हूँ कि आऊँगी तो पता नहीं कितना लेट होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए और फेसबुक पर देख रहे तो पेज को लाइक करके और फॉलो भी कर लीजिएगा। थैंक यू।